बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, सबको ब्लेस करना, जो संगत यहाँ है आपकी और जो नहीं है, जो जिस तकलीफ में है उसकी सब तकलीफें दूर करना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं जो सत्संग कर रही हूँ, कोई जो नई संगत भी आई है और जो नहीं जुड़े और जुड़ेंगे आगे से अपने घर में सत्संग भी करेंगे, तो कुछ गुरु जी की कुछ बातें हैं जो मैं कहूँगी, तो प्लीज़ नोबडी शुड फील ऑफेंडेड, क्योंकि ये गुरु जी का ही मैसेज है। मैं अपने से कुछ नहीं लगा रही हूँ। ओवर द पीरियड 7-8 साल से जो मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं दिल्ली में बहुत पुरानी पुरानी संगत, बहुत ही गुरु जी के वक्त की जो 80s में गुरु जी से जुड़े हुए हैं, उनके शब्द सुने हुए हैं मैंने बहुत ज़्यादा, और जो मैंने उनको सुना हुआ है मैं उसको फॉलो करती हूँ। कि वक्त वक्त गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, मगर गुरु जी हर संगत को अलग अलग टाइम पर, किसी संगत को कुछ कह दिया, वो उनके होते थे कि मतलब वो चीज़ वो एक्सपेक्ट करते थे कि संगत करे। जैसे मंगो मेरे को मटीरियल चीज़ा ना मंगो, मेरे को वो चीज़ मंगो जी मैं देना चाहता हूँ, कोई लेंदा ही नहीं, मंगता ही नहीं। दिस सेट ऑफ मैसेज इज यूज्ड टू गिव। अब सॉरी डोंट इफ आई एम ब्रूटली ब्लंट, मैं जो कह रही हूँ गुरु जी जैसे कह रहे। अब सबसे पहले जैसे आज हमारी ये तो हमारी पर्सनल ऐसे है ना कि जैसे आरती हो रही है, आज जैसे आरती हो, जब आरती इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो एक एक अकेला अकेला आरती नहीं करे, चार चार लोग इकट्ठे आए और जो कर रहा है वो भी एक बार करके हाथ लगा के तो आगे पास ऑन करता जाए, ताकि आरती दोबारा आरती नहीं लगती है। हम गुरु जी के लिए करते हैं, संगत के लिए नहीं करते हैं। और वक्त पर वेलकम शुरू होना चाहिए, वक्त पर आरती होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है हमने किसी के इंतज़ार। अब गुरु जी तो ये नहीं कहते थे कि बड़े दरबार लगाओ, या गुरु जी ने जब सत्संग शुरू किए थे गुड़गांव में और चंडीगढ़ में, तो गुरु जी ने कहा था सत्संग करो, तो गुरु जी ने ये नहीं कहा था कि बहुत लेबोरेटली करो या कुछ। उनका एक टेबल रखो, उतरे कपड़ा बिछाओ, तो शुरू रखो, तो शुरू हो जाओ। संगत की जरूरत, संगत अपने आप ही आएगी, वो तो गुरु जी ने भेजनी है ना, किसको कब भेजना है। तो संगत की अपने आप ही आती है। आप अकेले भी बैठ के जब कोई वक्त भी नहीं है कि सुबह अमृत वेला करना है या शाम को करना है या रात को करना है, कोई वक्त नहीं है, जब आपका मन करता है, जब आपको वक्त मिलता है, आप 2 घंटे बैठ के शब्द लगाओ, गुरु जी का स्वरूप रखो, और वही सत्संग है। जैसे कहते हैं आपे गुरु आपे चेला, और गुरु का होना तो बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने भी सुना हुआ है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी है कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। यानी कि अब वो इस डिलेमा में कि क्या करूं मैं, पहले गुरु के पांव छूं या भगवान दोनों सामने खड़े हुए हैं। फिर उसका दिमाग कहता है कि पहले गुरु के छूं जिसने मुझे भगवान से मिलाया है। तो गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है, इवन शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि उनका मेरे को नाम इसको याद नहीं आ रहा कौन से ऋषि थे, उन्होंने पूछा कि शिव जी से कि महाशिव आप इतना कल्याण कर, दुनिया आपने बनाई, दुनिया आपने ख़त्म करी, सब आप करते हो, तो आप लोगों के दुख क्यों नहीं दूर करते, उनके कर्म क्यों नहीं काटते, उनके कष्ट क्यों नहीं दूर करते। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये मैं नहीं कर सकता, मगर गुरु कर सकता है। मैं कल युग में गुरु के रूप में आऊँगा और तब मैं सबका कल्याण करूँगा, क्योंकि साक्षात गुरु जी हमारे बीच आए हैं और हम सबका कल्याण कर रहे हैं। कब करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा, हमारी पेशेंस ख़त्म हो रही होती है, मगर छोटे छोटे दुख हमें आते रहते हैं, तो ये हम ये नहीं समझते वो जो छोटे दुख आ रहे हैं वो बड़े दुख गुरु जी काट रहे हैं हमारे, कोई बहुत बड़ा दुख काट रहे हैं, छोटा नुकसान दे के या छोटी सी चोट लगा के या कुछ भी। तो
इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए। और गुरु जी जैसे वक्त वक्त पर संगत को बोल देते थे, अब जितने दुनिया के ग्रंथ लिखे हुए हैं किसी भी रिलीजन के, वो भगवान ने लिखवाए हुए हैं। और मैंने पुरानी संगत के मुंह से बहुत बार सुना है, गुरु जी ये कहते थे, गुरु जी ये कहते थे, गुरु जी वो कहते थे, गुरु जी ने, गुरु जी बैठे बैठे शब्द चल रहे हैं आंखें बंद, ऐ भी मैं लिखवाया है, ऐ भी मैं लिखवाया है। देखिए भगवान दिमाग में डालता है हमारी की, हम क्यों नहीं लिखते, हमारे में हिम्मत क्यों नहीं है। जब तक भगवान हमारे दिमाग में नहीं डालेंगे हम कैसे करेंगे। जिन लोगों ने भी जो जो वक्त पे शब्द किए हैं वो भगवान की लीला है, उन्होंने ही अपना मैसेज लोगों के थ्रू कहलाया। खुद तो भगवान नहीं आके बताएंगे सबको, वो मैसेज भेजते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने ये भी संगत को, अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी संगत को कहा हुआ है कि देखो सत्संग जब करते हो तो 2 घंटे शब्द सुनो। और वैसे भी संगत कई मथा टेकते थे, शब्द सुनिया करो, शब्द सुनो। एक संगत ने ये भी कहा कि गुरुजी समझ नहीं आती, समझने वास्ते कि नहीं क्या है, सुनने वास्ते क्या है, सुनो। आत्मा को समझ आती है कि क्या आप सुन रहे हो, कैसे हो। तो हम लोग इन चीजों को मानते नहीं है हम लोग। मैंने बहुत बार सत्संग में ये भी कहा है, मगर फिर भी लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है। ठीक है, आपके मन की खुशी है, मगर 2 घंटे गुरु जी ने कहा है शब्द सुनो, उसकी वजह है क्योंकि वो शब्द गुरु जी के लिखे हुए हैं। और गुरु जी कहते हैं जब शब्द चलते हैं तो जो वो उसी संगत को बुलाते हैं जिसका उन्होंने कल्याण करना है। और उस वक्त किस शब्द के ऊपर वो शब्द भी गुरु जी चलवाते हैं, किसका कल्याण करना होता है, वो किसके बारे में सोच रहा है, उधर बैठे बैठे किसका कल्याण कर, कोई वजह है। 2 घंटे नो सेल्फ कंपोज लिरिक्स, नो भजन। ये मंदिर में कीर्तन नहीं है या देवी का जागरण नहीं है क्या आप ढोलकी पीट पीट के कीर्तन भजन करते जाओ गाते जाओ, वो नहीं है। ये गुरु जी का सत्संग है एंड यू मस्ट अबाइड बाय गुरु जी वचन कि 2 घंटे सिर्फ शब्द, सिर्फ शब्द। और शब्द भी देखो कितने ही शब्द हैं, ऐसे भी हैं जो सूफी जो मुस्लिम पीर वगैरह हैं उनके भी ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं। और वो शब्द जो ऐसे हैं ना कि, और हर शब्द में कोई मतलब है, कोई वजह है उसका, आपको आपकी जिंदगी के सवालों के जवाब मिलते हैं उसमें से। तो वो शब्द जैसे उनके हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे यहाँ आई, क्यों आई, क्या करे, कैसे करे, वापस जहाँ से आई जाना है, यही हमारी जर्नी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। और इसी को इलेबोरेटली समझाने के लिए शब्दों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 2 घंटे गुरु जी की महिमा के जो है ना वो भी नहीं, 2 घंटे के बाद काला डोरिया कुंडेना लड़िया है वो भी चलाओ चलेगा, एनीथिंग एनी सॉन्ग डांस ये कुछ भी करो, मगर 2 घंटे से रहो। मैंने इस बार ये भी नोट किया है बहुत सी संगत बहुत से सत्संग पे नहीं जाती, और उनके मैं नाम नहीं लूंगी मगर मैंने अपने कानों से सुना है, क्या करें वहां जाके, वहां तो लगता है मंदिर में कीर्तन करने जा रहे हैं, तो शब्द तो आते नहीं, आनंद ही नहीं आता, दूसरी जगह चले जाएंगे वहां नहीं जाते। और एक संगत को मैंने फोन करके कहा भी कि आंटी आप ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद मैं उनके घर में गई और टोटल 2 घंटे शब्द से, आई एम सो थैंकफुल टू देम दे लिसन टू मी, कि 2 घंटे अब आनंद तो आता है ना, संगत वापस तो आती है ना, क्योंकि 2 घंटे सिर्फ शब्द शब्द शब्द, उसके बाद आप कुछ भी लगाओ। पहला एक सिर्फ एक गुरु जी का जो वेलकम जो गुरु जी के टाइम पे भी गाया जाता था, गुरु जी बाहर आते थे तो वो चल रहा होता था, आज साढ़े गुरु जी आना जी, वो जो वेलकम सॉन्ग है एंड दैट इज मोर देन इनफ, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। गुरु जी के टाइम पे जो बजते थे वही है। अभी भी मंदिर में जाओ तो 2 घंटे आपको या सिर्फ ओम नमः शिवाय आ जाएगा, इसके अलावा सब शब्द चलते हैं 2 घंटे, उसके बाद वो कुछ भी लगा देते हैं। और
इसके अलावा हम लोग, मगर बहुत सी संगत मानती नहीं है, हम लोग क्या मानते हैं, जो हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो भी दुनिया में नहीं है, कोई भी नहीं है, सुनी सुनाई बातें हम विश्वास करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और उसी पर हम भेड़ चाल चलते जा रहे हैं। मगर आज जो संगत गुरु जी को मिली हुई है, गुरु जी को उन्होंने कानों से सुना हुआ है, उनके शब्द सुने हुए हैं कि ये गुरु जी कहते थे, हम उनकी बात क्यों नहीं मानते। गुरु जी किसी को रिश्वत नहीं देके गए थे, ये उन्होंने अपनी आंखों से, आज वो भी पछता रहे हैं कि नई संगत उनको भगवान मानती है, हमने, हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम भगवान के पास बैठे हुए, दे मिस सो मच। तो हम उनकी, जो गुरु जी ने वक्त वक्त पर गुरु जी ने जो कुछ भी कहा हुआ है, वो गुरु जी ने शब्द किसी वजह से कहे हुए हैं। वो गुरु जी कहते हैं कि जब आप बैठे होते हो, संगत जो बैठी होती है, तो जब वो शब्द चल रहे होते हैं, तो किसी को पता नहीं, जो जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, जो घर में बैठे या दूर हजारों साल, हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं ब्लेस कर रहा होता हूँ, सिर्फ एक को नहीं। याद रखे, किसी ने गुरु जी से ये भी पूछा, गुरु जी तुम औरतों को पैर बड़े दबाते हो, आदमियों को नहीं दबाते। गुरु जी कहते मेरी कोई टंगा नहीं दुखदियाँ, मैनू कोई दर्द नहीं है, आदमियों को क्यों नहीं दबाता, आदमी सेल्फिश होंगे, वो सिर्फ अपने वास्ते मंगते हैं, मेरा काम ठीक हो जाए, मेरा ऐ हो जाए, मेरा व्यापार ठीक हो, फलाना, अपने लिए ही करते हैं। मगर जो लेडीज होती हैं वो अपने लिए नहीं मांगती, वो पहले बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो जो उनको प्यारे हैं, पड़ोसियों के लिए, वो सब के लिए। जब मैं एक टाइम पर 45 लोगों को मैं ब्लेस कर सकता हूँ, तो मैं एक टाइम पर एक पे क्यों करूँ। वो उनकी जो बॉडी से हीट जो निकलती थी, वो ब्लेसिंग होती थी, वो जब वो ब्लैक जब दबा रही होती है, तो मैं जो जो वो जिस जिस का सोच रही होती है, मैं उनको ब्लेस कर रहा होता। पीछे एक पिक्चर भी आई थी गुरु जी सुधा जी के घर में, एम्पायर स्टेट में एक चेस्ट और वहाँ बैठा करते थे अक्सर, और वो इतना बैठते थे, वो गुरु जी की बॉडी से इतनी हीट निकलती थी कि वो जगह जल गई। गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद सुधांत जी ने उसको ठीक करवाया, सारी ब्रांड न्यू करवाई, उस जगह से अभी भी जलती है, गुरु जी अभी भी बैठते हैं वहाँ से, फिर जल गई। जय गुरु जी। सो ये गुरु जी हर गुरु जी हर सत्संग पे आते हैं और खुद प्रेजेंट होते हैं फिजिकली, और जब बैठते हैं कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं गुरु जी। और हम लोग जैसे मंदिरों में होता है ना, मूर्ति रख दी, फोटो रख दी, भजन कीर्तन शुरू कर दिए, ऐसी बात नहीं है गुरु जी। हम लोग सोचते हैं यहाँ कुछ है तो नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रहे, मगर गुरु जी हैं, गुरु जी बैठते हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी खुद फील की है, तकरीबन 1.5 साल पहले सरिता विहार में सत्संग था, और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मैं गुरु जी के आने से पहले पहले वहाँ जाऊँ। तो उस सत्संग में मैंने थोड़ी लेट आना था, मुझे पता था, तो नीचे मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो मैं जब आई तो मत्था टेका, तो मुझे कोई जगह नहीं मिली, सब सामने सोफे वगैरह लोग ऑक्यूपाइड थे, तो मैंने गुरुजी के दरबार जैसे लगाया तो उस उधर करके मैं दूर बैठ गई, वही पर्स रखा।